नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां को बता दें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी में आयुष्मान भव का कैंप लगाकर लोगों को किया गया जागरूक। अब खबर विस्तार से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की शुरुआत की। आयुष्मान भव अभियान देश भर में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव और शहर में हर किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा न हो जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये प्रार्थना करने की परंपरा है कि सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना तभी साकार हो सकेगा जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने आयुष्मान सभाओं की सराहना करते हुए कहा कि आम लोगों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से लोगों को संचारी रोगों और टीबी तथा सिकल सेल जैसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया जा सकेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वस्थ बच्चे स्वस्थ राष्ट्र की दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ 18 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य की जाँच का कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी होगा। मौके पर थाना अध्यक्ष पहाड़ी एवं पहाड़ी क्षेत्र की सभी आशा बहुएं और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टरगण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं देवी दयाल राजपूत की खास रिपोर्ट। सर, जो आज कार्यक्रम हुआ, कैसे क्या रहा यहाँ का? जी, आयुष्मान भव कार्यक्रम माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो उद्घाटन कार्यक्रम था 13 सितंबर को, आज उसी का वर्चुअल इनॉग्रेशन था समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी चित्रकूट में, जिसमें सभी हमारे जो है ब्लॉक अधिकारी, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्राम प्रधान जी और हमारे सभी भी आशा बहने और सभी जन समुदाय की सहभागिता से बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है संचालित किया गया। और ये प्रोग्राम हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके लिए सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी की सहभागिता का सभी ने आश्वासन भी दिया, हमारे जो है स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने। अच्छा, कुछ कार्यक्रम और भी रखे गए हैं क्या आगे चल के? कुछ हमारा जो है अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर एक रविवार को 4 रविवार तक जो है शिविर का आयोजन होगा 2 अक्टूबर तक, जिसमें NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, CD कम्युनिकेबल डिजीजेज, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ पे, और चौथा सप्ताह रहेगा जो हमारा लोकल इश्यूज है उसके संबंधित जो है हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें जिले से हमारे कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बुलाए जाएंगे, जिसके लिए CMO साहब ने हमारे माननीय CMO साहब ने निर्देशित किया है, तो वो लोग भी रहेंगे और PSC और SWC लेवल पे भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को रक्तदान का भी शिविर है? जी, 17 अक्टूबर को हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी यहाँ के जो स्वयं सहायता समूह हैं और जो हमारे और भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको सबकी सहभागिता से एक बृहद जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। धन्यवाद। 17 तारीख से गांव में नालियों की साफ सफाई ना हो, जिससे ये बेहतर जनित बीमारियां मलेरिया डेंगू इस तरह की बीमारी ना डेंगू बहुत फैला। अब बारिश हुई है, पानी पर जगह जंगल जमा हुआ है, उसमें पत्थर बनते हैं, ये एक बहुत बड़ी इस समय की फसल समस्या हो सकती है। इसे सब लोग सहयोग करके ये बीमारी ना पर उसके पावे, इसके लिए सब लोग सहयोग करें। एक चरण इसका प्रतिभा है। दूसरा है रक्तदान। रक्तदान ऐसी आवश्यकता होती है कि उस समय उस व्यक्ति में रक्तदान कार्यक्रम किडनी का है,
आपका है, लीवर का है, आजकल तमाम तरह की ऐसी बीमारियां है जिनका इन रोग इनका ट्रांसप्लांटेशन बड़े शहरों में किया जाता है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये अपनी भावना सोच विचार रखते हैं तो वो भी शपथ पत्र भर सकते हैं कि आज आयुष्मान भवे अन्नदान का भी शपथ पत्र भरा जाना है। और आप ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलना है, 4 सप्ताह, जहाँ सीएससी में हर रविवार को मेला लगेगा, जिसमें अलग अलग तरह की सेवाओं को प्रदान किया जाएगा, जिसमें आपके जीएस स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे, स्वास्थ्य इसकी जानकारी गांव में लोगों को दे दें, तो लोग आ करके उन अपनी बीमारियों की जानकारी डायग्नोसिस उन डॉक्टरों से करा सके और ट्रीटमेंट ले सके। इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता प्रचार प्रसार ये बहुत आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद। 2 अक्टूबर के आपको सभी ग्राम पंचायत में अपने अपने ग्राम प्रधान का सहयोग देते हुए आप ग्राम सभा का आयोजन करना, उसमें अपने गांव के जो समिति के सदस्य है, आशा है, आंगनबाड़ी है और ग्राम प्रधान है और भी गांव के जो भी लोग आपको बुलाते हुए एक ग्राम सभा का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अक्टूबर को किया जाना है, जिसमें आप लोग आयुष्मान भव से जो भी विषय है, जैसे क्षय रोग है, आयुष्मान का कार्ड उसके बारे में ज्यादा जानकारी देनी है और अपने से मिलने कराते हुए उसकी फोटोग्राफ आप लोगों को सभी के रूप में डालना है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी 2 अक्टूबर को अपने अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन करना है, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री सूचना दे देंगे, लेकिन आप लोग 2 दिन पहले अपने गाँव में एक डायरी लिखवा लीजिएगा, जिससे की गाँव के लोगों को पता चल जाए की 2 अक्टूबर को प्रत्येक पंचायत भवन में या एसडब्ल्यूसी में ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। हमारी इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे खबरों को जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ध्यान दें, आपके क्षेत्र पहाड़ी में दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल वर्षों पुराना एवं जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल, दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों की जांच एवं सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है करबी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर पीपल के पास पहाड़ी, जहां 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहां सभी प्रकार के मरीजों की खून जांच एवं दवाएं की जाती हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, स्नोफीलिया, सीबीसी, डेंगू, खांसी, बुखार, जुखाम, शुगर, फाइलेरिया, हीमोग्लोबिन आदि, तथा हमारे यहां अन्य मरीजों की जांच एवं दवाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, तथा सीबीसी की जांच मात्र 150 रुपये में की जाती है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल पहाड़ी चित्रकूट, मोबाइल नंबर 6387391540, 9956600855, 9505571126। धन्यवाद।
विघ्नेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथ लैब विघ्नेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून मलमूत्र वीर्य बलगम हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं, विघ्नेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?